स्टार्टिंग विथ योर लेक्चर, टुडेज टॉपिक इज स्टाफिंग. कि स्टाफिंग क्या होता है सर, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है. मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ आप लोग को, ठीक है. तो स्टाफिंग क्या होता है, हम लोग ने अभी तक 2 चीजें पढ़ी, कौन सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और अभी स्टाफिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो सर स्टाफिंग होता क्या है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है वो हम लोग ने पढ़ लिया. जैसे कि सर प्लानिंग में हम लोग बेसिकली प्लान बनाएंगे, डिसाइड करेंगे किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, राइट. और ऑर्गेनाइजिंग में ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग हम लोग काम को डेलीगेट करेंगे, मतलब कि हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे कि ये एक डिपार्टमेंट हो गया, ये एक डिपार्टमेंट हो गया. फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग और क्या करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. तो सर क्वेश्चन मार्क ये आता है कि लोगों को काम देना है, डिपार्टमेंट बनाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे कि हम लोग ने फंक्शनल के अंदर देखा, एक फैक्ट्री डिपार्टमेंट होता है, एक एडवर्टाइजिंग वाला डिपार्टमेंट. तो सर ये सब हम लोग करेंगे तो किसको करना है, ये सब डिपार्टमेंट जो बनाना है, ये जो अथॉरिटी देनी है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, ये सब बेटा हम किसी एम्प्लॉय को देंगे ना, राइट. हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि सर अथॉरिटी देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, सब कुछ, चलो आपकी बात मान लिया. पर अल्टीमेटली बेटा ये सब चीजें हम लोग किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं. जैसे कि आपको ये अथॉरिटी दे दी मैंने कि आप आज से क्लास के मॉनिटर हो, राइट. तो ये सब हम क्या कर रहे हैं बेटा, बेसिकली एम्प्लॉय को दे रहे हैं. सो सर जैसे ही हम लोग ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, तो टोटल सर उसके अंदर 5 फंक्शन है. सो जैसे ही हम लोग ने प्लानिंग पढ़ा, तो प्लानिंग के टाइम पे आपने बोला कि बिना प्लानिंग का सर कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है, हम लोग ने मान लिया, हम लोग ने प्लानिंग को इम्पोर्टेंस दिया. फिर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, तो सर ऑर्गेनाइजिंग में आपने बोला कि डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात, तो ठीक है सर, हम लोग ने वो भी मान लिया, उसको भी इम्पोर्टेंस दे दिया, ठीक है. बट जो स्टाफिंग का पॉइंट है ना बेटा, आप प्लानिंग कर लो हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग कर लो हो जाएगा, बट ये जो स्टाफिंग का जो पॉइंट है ना, ये इजीली नहीं होगा. उसके पीछे का रीजन पता है क्या बेटा, क्योंकि एम्प्लॉयज के साथ हम डील कर रहे हैं. स्टाफिंग के अंदर हम किसके साथ डील कर रहे हैं बेटा, एम्प्लॉयज के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है. तो एम्प्लॉयज है ना बेटा, अलग अलग तरीके के होते हैं. जैसे कि आप अभी अगर मान लो कि मेरे पास अभी फिलहाल 10 से 15 बच्चे अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो ये 10 के 10 बच्चों का, ये 15 के 15 के बच्चों का सबका थॉट अलग रहेगा, सबका थिंकिंग अलग रहेगा, सबका कैपेसिटी अलग रहेगा. हाँ सर, अब ये सर को 15 के 15 बच्चों के साथ डील करना है. अगर कोई पढ़ने में वीक है तो उसको उस तरीके से पढ़ाना है, कोई पढ़ने में स्कॉलर है तो उसको टफ पेपर, टफ चीजें बना के पढ़ाना है, राइट. सो हियर यू हैव टू डील बेसिकली विद एन इंडिविजुअल. तो ये हम लोग ने स्टूडेंट और क्लास की बात की. उसी तरीके से बेटा अगर यही चीजें ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, या फिर फर्म की बात करूं, या फिर इंडस्ट्री की बात करूं जहां पे हमें काम करना है, या फिर बिजनेस एक्टिविटी की बात करूं, तो वहां पे जो हेड बॉस है बेटा, उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है. वापस समझो ध्यान से, क्या करना पड़ता है उसको, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है. अब बेटा इन एम्प्लॉइज को जो बॉस ने काम पे रखा है, इनको किस तरीके से सिलेक्ट करना है, कितने एम्प्लॉइज आपको लगेंगे ऑफिस में, राइट. ये सब चीजों का जो डीलिंग करते हैं ना बेटा, ये डीलिंग हम करेंगे स्टाफिंग के अंदर, ठीक है. स्टाफिंग के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला पॉइंट सर, कि एम्प्लॉय को भगवान मानेंगे, कि एम्प्लॉय है तो मेरी कंपनी है, एम्प्लॉय नहीं होगी तो मेरी कंपनी नहीं रहेगी. दूसरा पॉइंट, कि इन एम्प्लॉयज को सर किस तरीके से सिलेक्ट करना है, राइट. किस तरीके से इनको ट्रेनिंग देना है, डेवलपमेंट देना है, और ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, ठीक है. चलो इंट्रोडक्शन से चालू करता हूं. बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर. सबसे पहला पॉइंट, फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अरे स्टाफिंग क्या है सर, कि दूसरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की तरह सर ये भी एक फंक्शन ही है. और लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट थी बेटा इसमें, कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है. प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन डैश प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिविजुअल्स की जहां पे भी बात आएगी वहां पे हम लोग लिखेंगे स्टाफिंग, ठीक है. सेकंड पॉइंट, स्टाफिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग रिलेशंस विद द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
स्टाफिंग में हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग रिलेशन मेंटेन करेंगे, रिलेशन बना के रखेंगे किसके साथ, एम्प्लॉयज के साथ, और एम्प्लॉयज कहाँ पे काम करते बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. थर्ड पॉइंट, इट डील्स विद अक्वायरिंग एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग देम इन ऑर्गेनाइजेशन. स्टाफिंग किसके साथ डील करता है, इट डील्स विद अक्वायरिंग एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग देम इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सब कुछ हर एक पॉइंट है ना बेटा, यहाँ पर रिलेटेड टू एम्प्लॉय लिखना है कि एम्प्लॉय को सर हम किस तरीके से ट्रेनिंग करें, गाइड करें, मेंटेन करें, कहाँ से लाए, सब कुछ एम्प्लॉय के रिलेटेड हम लोग लिखेंगे स्टाफिंग में. ठीक है, इन वाइडर सेंस, वाइडर मतलब कि ब्रॉड सेंस, इट डील्स विद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज एक्सेट्रा. अगर सर स्टाफिंग को मैं एम्फसाइज करूं और ज्यादा बड़े तरीके से पढ़ने जाऊं तो स्टाफिंग क्या क्या काम करता है बेटा, रिक्रूटमेंट मतलब कि लोगों को जॉब देता है, सिलेक्शन जॉब के लिए सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग देता है सर, उनको प्रमोशन देता है, ट्रांसफर करता है, एंड पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज. पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज मतलब क्या, रिटायरमेंट मतलब पता है ना क्या, कि चलो वो रिटायर हो गया जॉब से, कल से वो जॉब पे नहीं आएगा, उसका एज वेज कंप्लीट हो जाता है, राइट. तो एक पर्टिकुलर एज के बाद हर कोई आदमी जॉब से रिटायर हो जाता है. तो अगर रिटायरमेंट के बाद अगर उसकी क्या बोलेंगे, उसके पास कुछ पड़ा नहीं है अच्छे से उसका बाकी का जिंदगी गुजारने के लिए, तो ये चीज तो नहीं चलेगी ना बेटा. इसलिए वो जो पीएफ अकाउंट रखता है, जो स्कूल्स में और बाकी सब जगह पे प्राइवेट फर्म्स और कंपनीज में आपको खोलना कंपलसरी है, जहां पे से आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट सेविंग में जाता है. तो ये सब चीजें कि रिटायरमेंट के बाद आप क्या एक्टिविटी करोगे, तो ये सब चीजों के साथ स्टाफिंग डील करते हैं. ठीक है, द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी एंड एटीट्यूड ऑफ इट्स एम्प्लॉइज. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, आपके एम्प्लॉइज जो है ना उनका काम करने का एफिशिएंसी और उनके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. उनके काम करने की एफिशिएंसी और उनके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है और किसी चीज के ऊपर नहीं. जैसे कि आपको दो बड़ी बड़ी कहानी अगर पता होगी तो एक रोलेक्स कंपनी है जो 90% अपनी जो इनकम है वो डोनेट कर देती है चैरिटी के अंदर. तो रोलेक्स कंपनी में बेटा एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक एम्प्लॉय था वो कुछ 2 या 3 मिनट अपने काम के ऊपर लेट आया था और लेट आने के टाइम पे उसने रीजन दिया था कि मेरे को ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम हुआ था या ऐसा कुछ. तो रोलेक्स कंपनी के सीईओ ने उसको बीएमडब्ल्यू गिफ्ट कर दिया था और बोला था कि ये ले चावी, ये ले कार, कल से मेरे ऑफिस पे लेट नहीं होना है क्योंकि अगर तू टाइम पे आएगा तो मेरी कंपनी ज्यादा चलेगी. सो इतना एम्प्लॉय को इम्पोर्टेंस दिया जाता है. बट हाँ, उसके लिए ये भी है कि आप में कुछ एफिशिएंसी भी दिखनी चाहिए. पता चला सर हम लोग 12वीं फेल है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे कि लोग हमें बीएमडब्ल्यू दे, तो वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो ऐसे ही दो बड़ी बड़ी कंपनी का एग्जांपल था, एक रोलेक्स का था और एक लैम्बोर्गिनी का था. तो वहां का ओनर कुछ रोल्स रॉयस या कोई कार लेके आता है तो एम्प्लॉय ने उसके ओनर की तारीफ की, अरे सर अच्छा है, बढ़िया नया कार ले लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन ये वो. तो फिर ओनर ने रिटर्न में यही रिप्लाई दिया कि अगर तू इसी मेहनत से काम करता रहा मेरी कंपनी में तो अगले साल मैं ऐसी ही और एक कार लेके आ जाऊंगा. सो जो बड़ी फर्म्स है वो बड़ी फर्म्स एम्प्लॉय को बहुत रिस्पेक्ट देती है. अगर आप इंफोसिस और वो सब कंपनी में काम करने चले जाओगे ना तो बेटा आपको अर्ली मॉर्निंग नाश्ता, फिर नाश्ते के बाद बीच में आपको जूसेस वगैरह मिलता है, फ्रूट्स वगैरह मिलता है कंपनी के बीच में, मतलब काम करने के टाइम पैसा, फिर पेपर मिलता है जैसे ही आप एंटर होते हो वैसे, फिर रिटर्न होने के टाइम पे आपको मिलता है. तो बड़ी फर्म्स ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखती है. आपको नहीं खाना है तो आप वो फ्रूट्स घर पे लेके जाओ चलेगा. तो ये सब चीजों का रिस्पेक्ट अगर आपको गेन करना है तो उसके लिए एक ही चीज रिक्वायर्ड है, वो है नॉलेज. अच्छे से पढ़ो, बड़ी पोस्टिंग, बड़ा सा अच्छा सा जॉब ले लो ताकि आपको भी ये सब चीजों की पर्क्स और बेनिफिट्स मिले. ठीक है, इन शॉर्ट स्टाफिंग के इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग ने क्या देखा सर, कि एम्प्लॉयज को भगवान मान के चलना है, एम्प्लॉयज को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे उनको रिक्रूट करना है, कैसे उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना है, उनकी पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज के बारे में, और ये सब चीजों के ऊपर हम लोग डील करेंगे. ठीक है, मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर फर्स्ट आंसर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग. हम लोग ने ये हर एक चीजों में देखा है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देखा, अभी हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग. ठीक है, चलो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कॉमन पॉइंट
कि सर प्लानिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसी तरीके से सर स्टाफिंग भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, उसमें लिखना भी सिंपल है, क्या स्टाफिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है सर, जैसे ही बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से स्टाफिंग भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है बेटा, सेकेंड पॉइंट पेरिनियल प्रोसेस। पेरिनियल का मतलब लिख लो टेक्स्ट बुक में, होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो ज्यादा टाइम तक चलता है। ठीक है, तो पेरिनियल प्रोसेस का ही हम लोग पढ़ता है, प्लानिंग के अंदर कंटिन्यूस प्रोसेस पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी कंटिन्यूस प्रोसेस पढ़ा था। तो बस उसी तरीके से बेटा स्टाफिंग भी है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक आपका फर्म चलेगा, जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, जब तक आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग रहेगा, तब तक ऑब्वियस आपको एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ सर, तो उसी तरीके से ये स्टाफिंग का प्रोसेस कैसा है बेटा, पेरिनियल प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं सोच सकते हो कि चलो अभी मेरे पास 10 लोग हैं तो मैं यही 10 लोगों को लेके मेरी कंपनी चलाऊ, ऐसा नहीं होता बेटा। टाइमली आपको ये 10 लोगों को अपग्रेड भी करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको डेवलप करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ जैसे आपका फर्म एक्सपांड होता जाएगा वैसे ही आपको नए एम्प्लॉयज को भी रिक्रूट करना पड़ेगा। ठीक है, सो पेरिनियल प्रोसेस के अंदर देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एम्प्लॉयज। सीधा बात है सर, कोई भी फर्म बिना एम्प्लॉय के पॉसिबल नहीं है। एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एग्जिस्ट, एम्प्लॉयज एंड स्टाफिंग विल ऑल्सो एग्जिस्ट। सर जब तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन फर्म है, जैसे कि जब तक है कंपनी तब तक है एम्प्लॉयज, जब तक ये जान याद मत रखना, जब तक है कंपनी तब तक है एम्प्लॉयज, जब तक मेरी कंपनी रहेगी तब तक मेरे को सर स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है बेटा बहुत मस्त है, कंसर्न विथ ह्यूमन रिलेशन। क्यों ऐसा, सीधे बात है ना बेटा, अपन एम्प्लॉयज को ले रहे ना, तो एम्प्लॉय क्या है, ह्यूमन बीइंग है। हाँ सर, तो एम्प्लॉयज मतलब ही क्या, ह्यूमन हुआ, तो उनके रिलेशंस कैसे रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपको क्या चाहिए, मैंने इसके पहले आपको एक कंसेप्ट समझाया था, याद है आपको, कौन सा, लेबर टर्नओवर का, लेबर टर्नओवर का पता है, मैंने एक कंसेप्ट समझाया था। तो लेबर टर्नओवर कंपनी के अंदर हाई रहना चाहिए कि लो रहना चाहिए, तो सर लो रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लेबर है हम लोग चाहेंगे कि वो सालों साल तक अपने पास बने रहे। बार बार अगर लेबर निकलते जाएंगे और नए लेबर आते रहेंगे तो मेरा आधा टाइम तो उनको ट्रेनिंग देने में ही चला जाएगा, तो इस तरीके से तो सर मेरी कंपनी का लॉस हो जाएगा, तो ये तो मेरे को चलेगा नहीं। अब लेबर टर्नओवर कम से कम रहना चाहिए ना, तो उसके लिए आपको ह्यूमन रिलेशन के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ मतलब कि एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, वो वाला रिलेशन मत समझना बेटा, काम वाला रिलेशन समझना थोड़ा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग इज टू एक्वायर द राइट एम्प्लॉयज एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम। ठीक है, स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव, स्टाफिंग का, ओनली स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि राइट एम्प्लॉयज को एक्वायर करना और उनके पास से बेस्ट ऑफ काम निकाल के लेना। ठीक है, राइट एम्प्लॉयज को एक्वायर करना है और उनके पास से सर बेस्ट ऑफ काम निकाल के लेना है। एम्प्लॉयज आर ओनली द लिविंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, याद है ना आपको, 11th में पढ़ा होगा, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रूनर। एंटरप्रूनर मतलब कि बिजनेसमैन। तो ये सब के उसमें से सर एम्प्लॉय सिर्फ एक ऐसा लिविंग फैक्टर है। कैपिटल भी लिविंग फैक्टर नहीं है, लैंड भी नहीं है, लेबर और एंटरप्रूनर, ये दो ऐसी चीजें हैं सर कि ये लोग लिविंग फैक्टर है, इनके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दे हैव फीलिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ऑब्वियस है ना, हर एक इंसान के अंदर फीलिंग तो भर भर के रहती है और उसका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी थोड़ा बहुत रहता है। एज इट इज रिलेटेड विद ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमेटेरियन बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड टूवर्ड्स देम। जैसे कि बेटा आप लोग अगर रास्ते पे कुत्ते को या पप्पी को देखते हो तो आप कैसा करके चले जाते हो ना उसको बुलाने के लिए, तो उधर कैसे आप एकदम ऐसा केयरिंग वाला और रिस्पॉन्सिव बिहेवियर दिखाते हो। जैसे कि कुत्ते, कुत्ता ही आपकी जान है, जैसे कि वो एंटरटेन, उसके नाम पे बहुत प्रॉपर्टी हो जाएगी ना, वैसे उसको अपन कैसे बनाते हैं, कैसे उसको उस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं। सो उसी तरीके से बेटा ह्यूमन को रिस्पेक्ट देना ह्यूमेटेरियन बिहेवियर के हिसाब से।
जैसा सामने वाला आपके साथ बिहेव करेगा आपको उतना ही उसको रिस्पेक्ट देना है, वो सीधा बात है, वो बट नेचुरल है। अगर मैं आपको हमेशा चिल्लाते रहूं तो आप लोग मेरे को रिस्पेक्ट दोगे क्या? नहीं। आप मैं प्यार से बात कर रहा हूं तो भी रिस्पेक्ट नहीं देते हो, सामने कुछ और मन में कुछ और ही रहता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। तो उसी तरीके से बेटा हर एक ह्यूमन के साथ है ना, जो एम्प्लॉय का रिलेशन बना के रखना रहता है वो ह्यूमेटेरियन बिहेवियर, मतलब कि अच्छे बिहेवियर से उनके साथ बना के रखने हैं रिलेशन, ठीक है? क्योंकि वो लोग है तो कंपनी है, कल को उठ के वो लोग निकल जाएंगे, वो लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो आपकी कंपनी जीरो हो जाएगी, ठीक है? 3 पॉइंट समझा अभी तक? एकदम स्लो जा रहा हूं, अब भी पढ़ के खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, कौन सा था फर्स्ट पॉइंट? इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि सर स्टाफिंग के बिना कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट पढ़ा पेरिनियल, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है? नेक्स्ट है कंसर्न विद ह्यूमन रिलेशन, ठीक है, कि सर इसके ऊपर हम लोग डिपेंड हर एक चीज एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका डायनामिक प्रोसेस, बिकॉज ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या? चेंजिंग, कि सर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर्म के अंदर कोई भी चेंजेस आई, हम लोग उसको इजिली एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट है आपका रिलेटेड विद अदर मैनेजरल फंक्शन। स्टाफिंग क्या अकेला काम करेगा क्या? नहीं सर, उसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये वो सब सब चीजों के साथ भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। हाँ सर। सो अदर मैनेजरल फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड विद स्टाफिंग। स्टाफिंग अकेला काम नहीं कर सकता है सर, उसको दूसरे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना उसके ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है। नॉट ओनली स्टाफिंग, कोई भी फंक्शन ले लो बेटा, हर एक फंक्शन एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। आप बोलोगे सर मैं सिर्फ प्लानिंग बनाऊंगा बाकी सब जाने दो, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग करूंगा चलेगा? नहीं। सिर्फ स्टाफिंग करूंगा चलेगा? नहीं। इन शॉर्ट हर एक फंक्शन सर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका वाइड स्कोप। स्टाफिंग इज नॉट मेरी, मेरी का मतलब होता है सिंपल, सिंपली, MERE का मतलब हो जाएगा सिंपल, सिंपली। स्टाफिंग इज नॉट सिंपली एन एक्टिविटी फॉर लेबर वेलफेयर। सर स्टाफिंग का यही मतलब नहीं है कि सिर्फ लेबर का वेलफेयर करो। आप तो बोल रहे हो सर कि स्टाफिंग में हम लोग हर एक चीज एम्प्लॉय के साथ डील कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट इसका यही मतलब नहीं है कि सिर्फ उसका वेलफेयर करो, बट इट इज ऑल्सो कंसर्न विद एक्वायरिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग पर्सनल एंड इट ऑल्सो वर्क फॉर देयर डेवलपमेंट। स्टाफिंग और कौन सी चीजों के लिए काम करता है सर? ये जो एम्प्लॉय है उनकी डेवलपमेंट के लिए भी काम करेगा, ठीक है? समझा? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है ना, 2 मार्क के लिए जो आंसर्स आते हैं आपके, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक आंसर ये आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सप्लेन विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाई। देखो अगर आप लोग ने अकाउंट्स पढ़ा रहेगा तो आपको एक्सपेंडिचर क्या होता है वो पता है, ठीक है? हाँ सर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है पता है ना आपको? कैपिटल मतलब क्या? एक बार। और रेवेन्यू मतलब क्या? रेगुलर। जैसे कि आपका जो सैलरीज, वेजेस, ये वो सब है, वो आपका क्या है? रेगुलर एक्सपेंडिचर है। मतलब कि हर साल, हर महीने, हर साल जाने दो, हर महीने आपको ये एक्सपेंसेस लगेंगे। कौन से? सैलरीज, वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, तो ये सब आपको एवरी मंथ लगता है, राइट? तो दीज आर रेगुलर एक्सपेंसेस, ठीक है? दीज आर रेवेन्यू या फिर रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो बार बार रिकरिंग होंगे। उसी के सामने कैपिटल एक्सपेंस मतलब क्या सर? जो हम लोग एक बार करेंगे, जैसे कि लैंड खरीदना, मशीनरी खरीदना, गुडविल खरीदना, तो ये सब आप एक ही बार खरीदते हो, पर खरीदते हो, ठीक है? तो इसी तरीके से बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हुआ, ठीक है? कि सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है, जैसे कि मान लो आपने एम्प्लॉइज को एक बार काम पे लगाया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है कि सर मेरे को इसको अभी सालों साल तक रखना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा, तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बना, पर ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा है? ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा है पता है? देखो अगर आप लैंड खरीदते हो, ठीक है, तो लैंड खरीदने का तो पैसा लगा, पर वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, पता है ना? अपन असेट्स की कॉलम में लिखते हैं उसको। क्यों असेट्स की कॉलम में लिखते हैं? क्योंकि सर उसके ऊपर से मेरे को पैसा मिलने वाला है, उसके ऊपर से मैं पैसा अर्न करने वाला हूं या अर्न करने वाली हूं।
अगर देखो बेटा इन्वेस्टमेंट नहीं रहता और लैंड खरीदा, अगर आपको ऐसा लगता है कि लैंड खर्चा है, लैंड आपका एक्सपांस है, लैंड खरीदना आपका एक्सपांस है, तो आप उसको लायबिलिटी में लिखते ना रे। पर आप लोग लैंड को किधर लिखते हो सर? असेट्स में। मतलब क्या आप उसको इन्वेस्टमेंट समझ रहे हो? क्यों सर? क्योंकि उसके ऊपर से फ्यूचर में हम लोग पैसा कमाने वाले हैं। उसी तरीके से बेटा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग का जो लास्ट पॉइंट है ना, वो यही बता रहा है कि एम्प्लॉय को जो तुम काम पे लगा रहे हो ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। माना कि उसको सालों साल तक अपने को पैसा देना है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, पर वो इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वो सामने आपको पैसा कमा के देने वाला है, ठीक है। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भले है पर स्टाफिंग आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय पैसा कमा के नहीं देगा तो आपकी फर्म कंपनी नहीं चलेगी, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टाफ इज नॉट एन एक्सपेंस बट एन इन्वेस्टमेंट। जो भी स्टाफ के ऊपर, जो भी स्टाफ को सबसे पहले आप काम के लिए ले रहे हो, मतलब कि रिक्रूटमेंट करना, फिर उसका सिलेक्शन करना, फिर उसको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, तो बेटा ये जो भी सब आप प्रोसेस कर रहे हो ना सर, ये एक्सपांस नहीं है, ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी अभी तक? सबसे पहला सर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सर बिना स्टाफिंग का मैनेजमेंट कंप्लीट होगा नहीं। दूसरा पेरिनियल प्रोसेस, मतलब कि सर ये लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। तीसरा कंसर्न विद ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमैटेरियन बिहेवियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो इसके अंदर लिखना है अपने को, ठीक है। फोर्थ है सर डायनामिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका रिलेटेड विद अदर मैनेजरल फंक्शन, स्टाफिंग अकेला काम नहीं करेगा, उसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका वाइड स्कोप, ठीक है, एंड लास्ट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। एक आंसर कंप्लीट हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है सर, एम्प्लॉय क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक बात पता है सिंपल, कि सर बिना एम्प्लॉय के कंपनी में काम होगा नहीं। सर भले कितना भी मशीनरी लेके आओ आप, जैसे कि मान लो अगर मेरे घर पे ही बात कर लू, आपके घर पे बात कर लू, हम लोग ने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लेके आए, तो वो अकेला काम करेगा क्या? पहले हमें एम्प्लॉय तो लगेगा ना कि कपड़े उठा के उसके अंदर रखे। सो सर उसी तरीके से कंपनी में आप चाहे कितने भी अच्छी टेक्नोलॉजी के मशीन लेके आओ, अल्टीमेटली सर स्टाफ तो लगेगा। क्यों? वो मशीन का बटन चालू करने भी सर एक एम्प्लॉय तो लगेगा ना, बॉस थोड़ी जाएगा रोज उठ के चालू करने के लिए। मतलब सर बिना एम्प्लॉय का कोई भी फर्म पॉसिबल नहीं है कि वो काम करे, राइट। सो सर स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों देना चाहिए उसको? तो सबसे पहला पॉइंट है, स्टाफिंग ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियस है ना, इंपॉर्टेंट प्लेस लेगा वो, क्योंकि वो है तो कंपनी है, वो नहीं रहेगा तो कंपनी नहीं बचेगी। दूसरा, एज मोर इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ये चीजें कॉमन है। कब बेटा? 1991 की बात वापस मैं लेके जाता हूं आपको पहले के टाइम पे, कि 1991 में क्या हुआ था सर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। 2020 में क्या आई? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। 1991 में क्या आया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था। और वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर है ना सर, तीन बड़ा सा फंडा निकला था। कौन सा फंडा निकला था? एलपीजी का। उसमें क्या हुआ? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके टाइम पे क्या हो गया बेटा, 1991 से क्या हो गया कि सर पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया वो एक मार्केट बन गई है। पूरी दुनिया क्या बन गई? एक मार्केट बन गई। मतलब सर किसी को भी दुनिया के कोई भी कोने से कुछ भी खरीदना है और किसी को भी दुनिया के कोई भी कोने में कुछ भी बेचना है तो सर वो बेच सकता है और सर वो खरीद भी सकता है। तो बेटा वो टाइम से क्या हो गया, अपना पॉपुलेशन है ना ग्रेजुअली बढ़ते गया, जो अभी तक बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, अभी भी हम लोग सेकेंड रैंक पे, ठीक है। तो पहले ना लिमिटेड इंडस्ट्री थी, पहले क्या थी? लिमिटेड इंडस्ट्री थी, क्योंकि अपने पास पॉपुलेशन भी लिमिटेड था। फिर पॉपुलेशन अभी एक्सपांड होता गया और वो क्रॉस हो गया, बियॉन्ड हो गया अनलिमिटेड। तो अब उसके सामने जो लिमिटेड इंडस्ट्री है वो अनलिमिटेड पॉपुलेशन का वांट्स फुलफिल कर पाएगा क्या? नहीं। तो इन शॉर्ट इंडस्ट्रीज को भी क्या होना पड़ा? लिमिटेड से अनलिमिटेड होना पड़ा। अब जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी तो बेटा वैसे ही एम्प्लॉयज की डिमांड भी बढ़ेगी ना, क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्री उतने ज्यादा एम्प्लॉय लगेंगे काम करने के लिए। हाँ सर, तो इसलिए देखो पॉइंट में क्या लिखा है, स्टाफिंग ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एज मोर इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड।
क्या लिखा है वर्ड, एज मोर इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड. जैसे ही सर इंडस्ट्रीज बढ़ने लग गई वैसे ही स्टाफिंग को भी हम लोग इंपॉर्टेंस देने लग गए. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक अ सिंपली स्केलेटन. ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सर कोई स्टाफ नहीं रहेगा काम करने के लिए, वो एक पुतले की तरह दिखेगा, स्केलेटन की तरह दिखेगा. ठीक है, जिसमें सिर्फ हड्डी हड्डी रहेगी और कुछ काम होगा नहीं. नेक्स्ट, इन कंपैरिजन टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब भी वर्ड आता है तो दिमाग में चार चीजें आनी चाहिए, क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, इन कंपैरिजन टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द फ्यूचर ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स मच ऑन इट्स स्टाफ. फ्यूचर में क्या होगा बेटा, सिंपल एक मेरे को बात बताओ. चलो अभी हम लोग कितने भी मॉडर्न हो रहे, कितने भी मॉडर्न हो रहे, ठीक है, जैसे कि हम लोग मशीनरी के ऊपर ही पूरा काम कर रहे, तो फ्यूचर में क्या अपने को एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? कि पड़ेगी, पड़ेगी, ऑब्वियस है, उल्टा का ज्यादा पड़ेगा. क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हर कोई कंपनी एक्सपांड करेगी, हर छोटी कंपनी भी आज ग्रोथ के लिए जा रही है, राइट. हर छोटी कंपनी अभी बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, हर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अभी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रहा है. तो जैसे आपका बिजनेस एक्सपांड होगा तो आपको स्टाफ कम लगेगा कि ज्यादा? ऑब्वियस ज्यादा सर. सो क्या लिखा, देखो, इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्शन ऑफ यू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में से आपका जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो तो एक ही लगेगा, उसको ज्यादा जरूरत नहीं है. लैंड आपको थोड़ा बहुत ज्यादा लगेगा, बाकी वो भी ज्यादा जरूरत नहीं है. कैपिटल भी आपको कम लगेगा, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है. पर ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा आपको? लेबर, मतलब कि एम्प्लॉइज. क्यों? ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन मच ऑफ इट्स स्टाफ. स्टाफिंग इज द ओनली लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हम लोग ने पहले भी पढ़ा सर कि स्टाफिंग है तो ही आपका काम आगे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन है. एन एक्सपर्ट हैज रिजिडली, सॉरी, एन एक्सपर्ट हैज राइटली सेड दैट स्टाफिंग का डेफिनेशन, देखो क्या लिखा है, माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू. आप सिर्फ आपके एम्प्लॉयज का ध्यान रखो बस, बाकी आपके एम्प्लॉयज आपके लिए सब काम कर देंगे. ठीक है. हम लोग ये बॉस को सजेशन दे रहे, क्या बोल रहे हैं कि आप सिर्फ एम्प्लॉय का ध्यान रखो सर, माइंड योर मैन. जो आपके पास मैन है ना काम करने के लिए, जो एम्प्लॉय है ना, तो माइंड योर मैन, आप सिर्फ उनका ध्यान रखो. मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू, और फिर वो एम्प्लॉय आपके लिए सब कुछ काम कर देगा, आपके हर एक काम का वो ध्यान रखेगा. ठीक है, कंप्लीट हुआ इतना इंट्रोडक्शन. ठीक है, मेन पॉइंट्स पढ़ते इंपॉर्टेंस के, देखो क्या लिखा है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस का देखो क्या लिखा है, ड्राइविंग फोर्स इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का. हम कार कभी देखा है, कार चलाने के टाइम पे, या फिर बाइक देखा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है. क्या रहता है? क्लच रहता है, ठीक है, एक ब्रेक रहता है, और एक एक्सिलरेशन रहता है. सो अगर आपको बाइक को स्पीड में चलाना है तो आप क्या करोगे, ज्यादा एक्सिलेटर देते हो ना, बाइक को स्पीड में चलाना है तो ज्यादा एक्सिलेटर देते हो. उसी तरीके से कंपनी को स्पीडली चलाना है, कंपनी को फास्टली आगे लेके जाना है, कंपनी का ग्रोथ जल्दी होना चाहिए, तो उसके लिए ना आपके एम्प्लॉयज ड्राइविंग फोर्स बनेंगे. आपका स्टाफिंग का जो प्रोसेस है ना बेटा, वो ड्राइविंग फोर्स बनेगा. प्लानिंग जल्दी जल्दी बना लो, कुछ नहीं होगा, प्लानिंग फेल हो जाएगा, क्योंकि प्लानिंग मेंटल प्रोसेस है, आराम से बनाना पड़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन जल्दी जल्दी कर लो तो क्या हो जाएगा, गलत इंसान के हाथ में हम लोग गलत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं. पर स्टाफिंग, सही एम्प्लॉय, ढंग के अच्छे एम्प्लॉय सिलेक्ट करके लेके आओ तो आपकी कंपनी अपने आप सर फास्टली काम करेगी. इसलिए प्लानिंग आपका क्लच है, ऑर्गेनाइजिंग आपका ब्रेक है, और स्टाफिंग आपका एक्सिलरेशन बनेगा, मतलब कि ड्राइविंग फोर्स बनेगा. देखो क्या लिखा है, कंटेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ मतलब कि जिसमें काम करने की तस्दी हो. ठीक है, एफिशिएंट स्टाफ इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Only an efficient staff can accomplish the objectives of the business along with the other factors of production. अगर efficient staff होगा ना तो आपका business चुटकी में चलेगा. सही employees रहेंगे ना आपके पास तो आपको बार बार वो motivation करना, ये करना, वो करना, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो लोग काम करेंगे. ठीक है. Second, dynamic activity. पहले हम लोग ने dynamic process पढ़ा, अभी dynamic activity है. Same, difference कुछ नहीं है. कि देखो क्या लिखा है, staffing infuses dynamism into business and performs all the activities of business. Staffing क्या है सर?
डायनामिक वैसे एम्प्लॉय को डेवलप करता है, जैसे कि बिजनेस के अंदर कोई भी चेंजेस आ जाए एम्प्लॉय हमेशा खड़े रहेंगे काम करने के लिए, इसलिए उसको बोला है सर ये डायनामिक एक्टिविटी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये पहले भी पढ़ा, अदर मैनेजरियल फंक्शंस लाइक कोऑर्डिनेटिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग प्लानिंग एक्सेट्रा कैन नॉट सक्सीड विदाउट प्रॉपर स्टाफिंग। सर आपने प्लानिंग में कितना भी अच्छा बोल दिया कि आपको 90% लाना है, आपको 100% लाना है, ये करना है वो करना है, पर अगर आपके पास वैसे बच्चे ही नहीं होंगे तो कहां से 90% लाओगे, आपके पास वैसे कंपनी में एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तो कहां से आप आपका गोल फुलफिल करोगे। इसलिए बाकी जितने भी फंक्शंस है वो हर एक फंक्शन के लिए, अगर सर कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो वो है स्टाफिंग का। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, लिम्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। स्टाफिंग क्या बता, आपके आर्म्स एंड लिम्स। प्लानिंग ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी व्हाइल स्टाफिंग ऑक्यूपाइज limbs of an enterprise, without them activities cannot be done in the organization। देखो बेटा अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग ने पढ़ा था क्या कि planning brain function है, organizing body unit है, तो ये सब है ना बेटा एक एक part है body के, पर sir बिना staffing के मतलब कि बिना हाथ पाव के बिना arms and legs के आपका काम होने नहीं वाला है, इसलिए staffing को हमने क्या बोला, they are the limbs of business enterprise। Next, job satisfaction among staff, most important point। आपके यहाँ पे जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना बेटा सबको जॉब सेटिस्फेक्शन दो, तभी वो आपके पास टिका रहेगा और आपका जो लेबर टर्नओवर का जो मैंने कंसेप्ट समझाया वो कम से कम रहेगा। जो आपके पास लोग काम कर रहे हैं वो लोग सेटिस्फाई नहीं रहेंगे तो वो आपके कंपनी में टिके रहेंगे क्या, नहीं, वो टाटा बाय बाय करके चला जाएगा क्योंकि उसके पास आपकी तरह 100 कंपनी है काम देने के लिए, राइट। सो ड्यू टू स्टाफिंग द कंप्लेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉयज कैन बी अंडरस्टूड एंड स्पीडी सोल्यूशन इज पॉसिबल। अगर कोई एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रही है, कोई एम्प्लॉय को कंप्लेंट है, तो ये हम लोग स्टाफिंग को इंपॉर्टेंस देंगे ना, स्टाफिंग में यही कर रहे ना एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंस देना, तो हम लोग स्टाफिंग को इंपॉर्टेंस देंगे तो बेटा हमें पता चल जाएगा कि कौन से एम्प्लॉय को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसको हम लोग स्पीडी सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। प्रॉपर प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क क्रिएट्स फीलिंग ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज। बेटा एक कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना उनको इक्वली काम देना है, किसी एक एम्प्लॉय को ज्यादा काम दे दो किसी एक को कम काम दे दो तो फिर वो लोग जॉब सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। सबको इक्वली काम दोगे ना तो सबको लगेगा अरे यहाँ पे तो हम लोग सब इक्वली ट्रीट हो रहे हैं, सबको एक जैसा काम मिला है, तो उनको मेंटली जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हार्मनी इन रिलेशंस। हार्मनी का मतलब होता है कि पीस बनाए रखना बेटा, कोई अच्छे से काम नहीं करे तो ये वो तेरी माखी उसकी माखी करके गाली गलौज पे नहीं पहुंच जाना है, आराम से शांति से काम लो, प्यार से काम लो, हार्मनी बनाए रखो रिलेशन में। ठीक है, देखो क्या लिखा है, स्टाफिंग क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज, इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश कॉर्डियल रिलेशनशिप्स बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर मतलब कौन सर, जो बिजनेस देता है, जो काम देता है। एम्प्लॉयर मतलब कौन, जो काम देने वाला है, और एम्प्लॉय मतलब कौन, जो काम करने वाला है, राइट। सो ये दोनों के बीच में बेटा हार्मनी जैसे रिलेशन रहने चाहिए, मतलब कि पीसफुल रिलेशन रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज इन प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम्प्लॉयज अगर आपके कंपनी में अच्छे से काम करेंगे ना, और सामने आप अगर वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अच्छे से रखोगे ना, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रेस्टीज बढ़ जाएगा, गुडविल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी दिन आप एब्सेंट रहोगे ना, बॉस एब्सेंट है, तो एम्प्लॉय ना आपकी पूरी कंपनी संभाल लेगा, अच्छे से पूरा काम करके दे देगा कस्टमर का। ठीक है, तो कस्टमर खुश होगा ना, पर वो एम्प्लॉय का नाम करेगा क्या, नहीं, वो तो कंपनी का नाम करेगा, अरे भाई ये कंपनी में जा, अपने आप काम हो जाता है, कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयज जो है ना, एम्प्लॉयज आपके फॉर्म में जो काम करता है वो आपकी पर्टिकुलर फॉर्म का प्रेस्टीज बढ़ाता है, गुडविल बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूस प्रोसेस, ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहले पॉइंट से पढ़े कि सर स्टाफिंग क्या है, सर कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक फर्म एग्जिस्टेंस रहेगा, जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा, तब तक सर एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। इसलिए देखो क्या लिखा है, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट स्टाफ। बिजनेस को अगर एग्जिस्टेंस रखना है तो सर वो स्टाफ के बिना पॉसिबल नहीं है, स्टाफ होगा तो ही बिजनेस होगा। एज लॉन्ग एज द बिजनेस एक्टिविटी कंटिन्यू, स्टाफ एंड स्टाफिंग प्रोसेस विल ऑल्सो कंटिन्यू।
जब तक सर बिजनेस की एक्टिविटी चलती रहेगी तब तक सर स्टाफिंग और उसकी प्रोसेस चलती रहेगी।